The question is, if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r, then show that p is equals to r. हमें गिवन क्या है कि x minus 2 and x minus 1 by 2 दोनों ही फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल px square plus 5x plus r के, और हमें प्रूव करना है कि p और r इक्वल है, राइट? तो फैक्टर्स का मतलब क्या है हमारे पास, कि फैक्टर्स कब होते हैं? जैसे कि अगर मेरे पास x माइनस टू इसका फैक्टर है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 जब इस पॉलिनोमियल में पुट किया जाएगा तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? तो यहाँ से मैंने पहले इस पॉलिनोमियल को लेट कर लिया px, px नहीं से fx लिख लो क्योंकि p ऑलरेडी पॉलिनोमियल में यूज़ किया गया है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r. देखो x माइनस टू इज फैक्टर, तो इट मीन्स फंक्शन में इस एफ एक्स में हम पुट करेंगे 2, तो ये 0 आएगा. सिमिलरली यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x की, 1/2 आ जाएगी, राइट? तो 1/2 जब पुट करेंगे f में, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा. तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो f में 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, p 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल्स टू 0, 4p प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल्स टू 0, राइट? 4p प्लस आर इज इक्वल्स टू माइनस 10. ये यहाँ से हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सिमिलरली फंक्शन में पुट करते हैं हम, यानी कि इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं 1/2. सो यहाँ से हमारे पास आएगा पी 1/2 स्क्वायर 5 इंटू 1/2 प्लस आर इज इक्वल्स टू 0. पी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस 5/2 प्लस आर इज इक्वल्स टू 0. एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, पी प्लस यहाँ से 10 प्लस 4 आर इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि पी प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ, देखो यहाँ पे भी 10 आ रहा है, p प्लस 4r इज इक्वल्स टू माइनस 10, राइट? तो यहाँ भी माइनस 10 के इक्वल आ गया, और यहाँ भी ये भी माइनस 10 के इक्वल आ गया. अगर बाई द चांस ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये इक्वल्स टू 0 एंड ये भी इक्वल्स टू 0 था, तो हम यहाँ से भी इन दो इक्वेशंस को, इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड लेकर के, इनको भी इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप चाहे इसको इक्वेट करो या फिर जो मैंने नीचे इक्वेशंस बनाई हैं उनको इक्वेट करो, एक ही बात है. क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड पे 0 हैं, तो इट मीन्स उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. सो फ्रॉम 1 एंड 2, 4p प्लस आर इज इक्वल्स टू p प्लस 4r, मैंने नीचे वाली इक्वेट की है, ठीक है? तो p वाले एक साइड करो, 4p माइनस p 3p एंड 4r माइनस r 3r. तो अगर 3p इज इक्वल टू 3r है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p इज इक्वल्स टू r हमारे पास आ जाएगा. और यही हमें प्रूव करना था कि p और r क्या है, इक्वल है. थैंक यू.